सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो सब कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। सो सबको आज मैं एक तो नया एक तो रेसिपी आप लोगों को दिखाऊंगा। सो आज का जो रेसिपी में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो ग्रीन मिंट कैसे बनाता है, ग्रीन मिंट मॉकटेल या ग्रीन मिंट मोजी तो आप लोगों कैसे घर में ही बनाएंगे उसको मैं आज आप लोगों को प्रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। देख सकते हैं मेरा जो जोमेटो है, जोमेटो में मेरा पास आ गया है एक ऑर्डर। तो उस ऑर्डर का लिए मैं बना रहा हूँ, उसका साथ आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ये लोगों ये जो ग्रीन मिंट है ये वाला आप लोगों घर में कैसे बनाएंगे। सो चलिए ज़रा देरी नहीं करके वीडियो ऑन करते हैं। अगर आप लोग चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो देखकर अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको क्लिक करना बंद कीजिए। सो चलिए, सो दोस्तों आज आप लोगों को मैं ग्रीन मिंट बनाकर दिखाऊंगा। सो ग्रीन मिंट आप लोग ये वाला जो ग्लास है ये वाला ग्लास में ही बना सकते हैं, और जो नॉर्मल आप लोगों का घर में कोई भी ग्लास है ये भी ग्लास से आप लोग बना सकते हैं। सो आज मैं ये वाला जो ग्लास में आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगा। ग्रीन मिंट बनाने के लिए उतना कुछ भी नहीं लगता। तो देख सकते हैं ग्रीन मिंट बनाने के लिए पुदीना लगता है, और इधर मेरा थोड़ा सा ही ये है जो शुगर है, शुगर को मैं एकदम ग्राइंड कर लिया हूँ। शुगर थोड़ा सा लगता है, ज़्यादा नहीं, वो मिठास के लिए थोड़ा सा लगता है। और ये देख सकते हैं ये है लिमका है, और इधर ये देख सकते हैं ये है सोडा, और ये देख सकते हैं एक ग्रीन मिंट का जो एसेंस है आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ग्रीन मिंट का जो एसेंस है, ये वाला ग्रीन मिंट का एसेंस इधर लगता है। और ये जो मसाला है आप लोगों को पता है, ये वाला एक तो मसाला है, ये मैं आप लोगों को मिडिल में बता दूंगा जो ये कौन सा मसाला है, आप लोगों कैसे घर में ही बनाएंगे। तो चलिए हम लोगों इसको रेडी करते हैं। सो ग्रीन मिंट बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता, ये देख सकते हैं ये जो पुदीना है, पुदीना को हम लोगों दे देंगे। और उसका बाद ये देख सकते हैं इधर जो मेरा पास थोड़ा सा ये है जो शुगर है, शुगर को मैंने एकदम ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि इधर ग्राइंड नहीं करने से आप लोगों को ये थोड़ा मोटा मोटा लगेगा। तो इधर देख सकते हैं इसको हम लोगों ने इधर दे दिया है, और थोड़ा सा हम लोगों को लगेगा नींबू, देख सकते हैं एक तो नींबू हम लोगों ने ले लिया है। सो नींबू का हम लोगों ने इधर कट कर लेंगे। सो चले हम लोगों इसको कट कर लेते हैं। सो देख सकते हैं नींबू तो थोड़ा ही लगता है, इसको नींबू इधर इसका टेस्ट कर लिए है, और ये देखिए मैं नींबू का पूरा ही आधा इधर ले लूँगा। देखिए नींबू का दो पीस मैं इधर दे देता हूँ। और इसका बाद ये देख सकते हैं ये जो आपका ये है, मतलब ये जो मसाला टो है, ये मसाला टो मैं इधर दे दूंगा। ये मसाला कुछ भी नहीं है, ये हाजमोला को, ठीक है, 5-6 किस्म का जो हाजमोला है ये हाजमोला को, और ये देख सकते हैं जो चाट मसाला है एवरेस्ट का, वो चाट मसाला को देके मैं इसको ग्राइंड करके रखा हूँ। आप लोगों ने इसको ग्राइंड करके रख के उसके बाद सब कुछ में आप लोगों ने इसको दे सकते हैं। तो देख सकते हैं इसके बाद हम लोगों ने इसको थोड़ा पीस लेंगे। ये देख सकते हैं आप लोगों कोई भारी सा चीज़ लेके आप लोगों पीस सकते हैं। आप लोगों का बस ये वाला चीज़ है तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों बेलनी से भी इसको ये ग्राइंड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसको हम लोगों इधर थोड़ा पीस लेते हैं। इसका मतलब इतना पीसना है जो ये जो जो ये का पत्ता तो है, पुदीना का पत्ता तो है वो भी पीस जाए, उसका जो रस है वो भी निकल जाए, और इधर जो नींबू तो है, मतलब नींबू तो ये भी उसका जो रस पूरा निकल जाए। ये देख सकते हैं नींबू का पूरा रस इधर निकल गया है, देखिए पूरा नींबू का रस निकल गया है इधर, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। मैं देखिए पूरा नींबू का रस इधर निकल गया है, इसका ये में भी लग गया है, मैं थोड़ा इसको इसका अंदर दे देता हूँ। देख सकते हैं ये वाला इधर आ चुका है पूरा, इधर ये पूरा पीस गया है। इसका बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इसका अंदर सिर्फ बर्फ देना है, और ये दो को ये देना है। रुकिए मैं थोड़ा बर्फ ले, देख सकते हैं मैं बर्फ तो इधर जमा के रखा था, आप लोगों ने पहले से बर्फ आपका फ्रिज में जमा के रखिएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं मैं, आप जितना मर्जी उतना बर्फ दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखिए मैं इसको दे दिया हूँ। इसका बाद देख सकते हैं जो एसेंस तो मैंने आपको दिखाया, इस एसेंस को मैं इधर पूरा इधर भर लूंगा। देख सकते हैं इसका बाद इसको भरने के बाद जो सोडा है ये इसको मेरे को पूरा 80% इसमें भरना है। देखिए
देखिए पूरा ग्लास में 80% इसको भर देना है। 80% भरने का बाद इसको मैं जो चम्मच से ये वाला मैं थोड़ा इसको मिक्स कर लूँगा। दोस्तों इसको हम लोगों ने देख सकते हैं, इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए प्रॉपर फिट इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से इधर मिक्स कर लेंगे, देख सकते हैं। इसका बाद इसको मिक्स करने के बाद जो लिमका टो है, लिमका टो हम लोगों ने इधर दे देंगे। देखिए देखिए लिमका देने के बाद हम लोगों इसको और एक बार आस्ते आस्ते, क्योंकि नहीं तो लिमका में झाड़ बहुत है उसमें नहीं तो गिर जाएगा। आप लोगों थोड़ा और सभी ये दे सकते हैं जो मसाला टॉप लोगों बनाया है। नीचे का तरफ एक रहता है इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से इसको मिक्स करना पड़ेगा। देखिए ये वाला मिक्स करने के बाद इसका लुक हो ऐसी होता है, देख सकते हैं। इसका बाद हम लोगों ने इसको पैक करके हम लोगों कस्टमर को दे देते हैं। आप लोग तब तक आप लोगों वीडियो को देखकर अगर अच्छा लगा है तो आप लोगों घर में इसको बना के देखिएगा, उसका बाद इसको टेस्ट करके हमको नीचे कमेंट में बताइएगा आप लोगों को ये वाला कैसी लगा। सो वीडियो तो इतना दूर तक, अगर आप लोगों को वीडियो तो देखकर अच्छा लगा है तो वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा। सो चलिए फिर से आप लोगों के साथ आऊंगा। सो चलिए इस वीडियो इधर ही।